नहीं जा सकदा छड के तेनू दिल मैनू याद ने सारे हाय कीते वादे। दोस्तों क्या हाल चाल है, उम्मीद करता हूँ आप होंगे खैर जैसे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में फिर से आपका वेलकम है। दोस्तों अगर आप टिकटॉक, इंस्टाग्राम या फिर यूट्यूब पे एक्टिव होना, तो जो वीडियो मैंने आपको प्रीव्यू में प्ले करके दिखाई आपने ये वीडियो लाजमी देखी होगी। तो दोस्तों इस वीडियो का ट्रेंड इस वक्त बहुत ही ज्यादा चल रहा है, तो काफी दोस्तों मुझे डीएम के इलियास भाई इस वीडियो का ट्यूटोरियल चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो बनाना बहुत ज्यादा आसान और सिंपल तरीका है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अभी से कर दो लाइक, चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियो तक आराम से पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में जिस भी मटेरियल का यूज करने वाला हूं सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, उसको इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप फेसबुक की मेरी वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक के डिस्क्रिप्शन ऊपर होती है, तो सी मोड पे क्लिक करके वहां से मटेरियल को आप डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट किए मोबाइल स्क्रीन तरफ चलते हैं और मैं आपको बताता हूं हमें ये वीडियो किस तरह से एड करनी है। तो गाइस यहां पर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड जो है वो ऑन कर लिया है। सबसे पहले हमें कैपकट एप्लीकेशन को जो है वो ओपन करना होगा, मैं इसको ओपन कर देता हूं। ओपन करने के बाद दोस्तों न्यू प्रोजेक्ट में जाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट में जाने के बाद दोस्तों फोटो में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों इस वाले बैकग्राउंड को आपको सेलेक्ट कर लेना है, इसको मैं कर दूंगा सेलेक्ट और यहाँ से कर दूंगा ऐड, ये बैकग्राउंड हमारा आके ऐड हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर इशू में जाएंगे और यहाँ से दोस्तों हम टिकटॉक वाला जो फ्रेम है इसको कर देंगे सेलेक्ट और यहाँ से कर देंगे ओके। मतलब बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, इसको दो फिंगर से स्क्रीन के मुताबिक कर देंगे। इसके बाद दोस्तों आखिर में वाटर मार्क है, इस पर क्लिक करेंगे और उसको कर देंगे डिलीट। एंड दोस्तों यहाँ से बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे और इसका लेंथ दोस्तों हमें 13 सेकंड तक बढ़ाना होगा, तो मैं इसको कर देता हूँ। देन दोस्तों हम यहाँ से वीडियो को शुरू में आएंगे और यहाँ से कर देंगे बैक, यहाँ से जाएंगे अवरले में, अवरले में जाने के बाद दोस्तों ऐड अवरले में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपने एक पिक्चर अपनी सेलेक्ट कर लेनी है, मेरी ये वाली पिक्चर है, इसमें कर दूंगा सेलेक्ट और यहाँ से कर दूंगा ऐड। कुछ इस तरह से दोस्तों आपने पिक्चर कैप्चर कर लेनी है, आपके पीछे ज़्यादा सामान नहीं होना चाहिए, नहीं तो बैकग्राउंड रिमूव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए दोस्तों एक मतलब पिक पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ पर कट आउट वाला ऑप्शन मिल जाए तो हम कट आउट में जाएंगे और यहाँ से कर देंगे रिमूव बैकग्राउंड, जिससे कि हमारा बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपका बैकग्राउंड यहाँ से रिमूव नहीं होता तो वीडियो के आखिर में एक और तरीका बताऊंगा, जिससे कि एक क्लिक से आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव कर देता हूँ, यहाँ पर इसका बैकग्राउंड जो है वो रिमूव हो चुका है। इसके बाद दोस्तों उसको कर देंगे छोटा और ला के इधर रख देंगे इसको ऐसे। इसके बाद दोस्तों हम यहाँ से कर देंगे बैक और यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे एडजस्ट में, ब्राइटनेस को थोड़ा सा लो कर देंगे, अपने फोटो के हिसाब से इसको कर लेना। मैं अपने फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ, सैचुरेशन को थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओके। इसके बाद दोस्तों इसका लेंथ भी हम बढ़ा देंगे जितनी हमारी वीडियो होगी। देन दोस्तों यहाँ से बैक आएंगे, यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में जाएंगे और यहाँ जाएंगे वीडियो वाले ऑप्शन में। इसके बाद दोस्तों को इस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसको मैं कर दूंगा सिलेक्ट और यहाँ से कर दूंगा ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे जाएंगे, एडिट में जाएंगे और क्रॉप में जाएंगे, स्काई को रखेंगे बाकी कर देंगे क्रॉप और यहाँ से कर देंगे ओके। इसको दो फिंगर से कर देंगे जूम और ला के स्काई पे रख देंगे ऐसे। देन दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, बैक करने के बाद दोस्तों लेयर में जाएंगे, लेयर में जाने के बाद दोस्तों इसको कर देंगे वन पे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों हम यहाँ से पीछे आएंगे, यहाँ पर दोस्तों में स्पीड वाला ऑप्शन मिल जाता है, हम स्पीड में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, इसको 4.0 पे कर देंगे, तो मैं कर देता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओके। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो के आखिर में जाएंगे, जितना हमारा बैकग्राउंड होगा इसको उतना रखेंगे बाकी कर देंगे ट्रिम। देन दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, यहाँ से आगे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे मास्क में, इस एरो को पकड़ेंगे ऊपर से नीचे कर देंगे, इस डोर को थोड़ा सा ऊपर कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में फिर जाएंगे। देन दोस्तों यहाँ से जाएंगे फोटो में, इसके बाद दोस्तों आपको इस रिंग को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे ऐड, इसको कर देंगे छोटा और ला के इधर रख देंगे इसको ऐसे, थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। इसका लेंथ भी हम बढ़ा देंगे। देन दोस्तों वीडियो को शुरू में फिर आएंगे, यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में जाएंगे, यहाँ से दोस्तों आपको विंस वाली वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसको मैं कर दूंगा सिलेक्ट और यहाँ से कर दूंगा ऐड, इसको थोड़ा सा कर देंगे जूम। यहाँ से आगे जाएंगे, लेयर में जाएंगे, इसको यहाँ से कर देंगे टू पे और यहाँ से कर देंगे ओके, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, इसका लेंथ भी बढ़ा लेंगे। तो शुरू में फिर जाएंगे, यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में जाएंगे, इसके बाद दोस्तों आपको हार्ट को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे ऐड। ऐड करने के बाद दोस्तों यहाँ से आगे जाएंगे, एडिट में जाएंगे, इसको कर देंगे क्रॉप, क्रॉप करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे ओके, यहाँ से कर देंगे बैक और यहाँ से आगे जाएंगे। देन दोस्तों यहाँ से जाएंगे मास्क में, यहाँ से आगे जाएंगे, इस वाले को कर देंगे अप्लाई, इसको दो फिंगर से कर देंगे बड़ा और उसको कुछ इस साइड पे कर देंगे ऐसे। इसके बाद दोस्तों इस एरो को पकड़ेंगे, थोड़ा सा नीचे कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। देन दोस्तों यहाँ से पीछे आएंगे, स्प्लाइस में जाएंगे, यहाँ से कर देंगे हार्ड, यहाँ से कर देंगे ओके। इसके बाद दोस्तों इसका लेंथ भी हम वीडियो के मुताबिक कर लेंगे, तो मैं कर लेता हूँ। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में फिर आएंगे,
वीडियो को शुरू में आने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड वाले में फिर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाली पिक को सिलेक्ट करना है, यहाँ से कर देंगे ऐड, यहाँ से आगे जाएंगे एडिट में जाएंगे और उसको कर देंगे क्रॉप और यहाँ से कर देंगे ओके। यहाँ से पीछे आएंगे, यहाँ जाएंगे ब्लेंड में और उसको यहाँ से कर देंगे फिल्टर, इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा और ला के इधर रख देंगे इसको ऐसे। इसके बाद कर देंगे ओके, लेंथ भी हम यहाँ से बढ़ा देंगे। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में फिर जाएंगे, कर देंगे बैक, ऐड ओवरले में जाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपको इस वाले पिक को सिलेक्ट करना है और यहाँ से कर देंगे ऐड, इसको पकड़ेंगे यहाँ पर रख देंगे इसको ऐसे, इसका लेंथ भी बढ़ा लेंगे। देन दोस्तों यहाँ से वीडियो को शुरू में फिर आएंगे और यहाँ से कर देंगे बैक, ऐड ओवरले में जाएंगे, इस वाली पिक को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे ऐड, इसको थोड़ा सा कर देंगे छोटा, ला के इधर रख देंगे ऐसे। इसका लेंथ भी हम यहाँ से बढ़ा देंगे। इसके बाद दोस्तों एक मतलब हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करने के बाद दोस्तों इस पे हमें टेम्पलेट को अप्लाई करना है, और टेम्पलेट अप्लाई करने के बाद दोस्तों इसमें सॉन्ग को भी लगाना है और यहाँ पर जो टाइपिंग लिखनी है वो भी लिखनी है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेते हैं यहाँ से। दोस्तों हमारी वीडियो जो है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट वाला ऑप्शन मिल जाता है, हम टेम्पलेट में जाएंगे और यहाँ जाएंगे सर्च में। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है ट्रेंड ICAL, उसको कर देंगे सर्च। सर्च करने के बाद दोस्तों ये जो पहला टैंपलेट आपके सामने शो हो रहा है ट्रेंड ICAL लिखा हुआ है, इसको अपने कर देंगे अप्लाई और यहाँ जाएंगे यूज टैंपलेट में। यूज टैंपलेट में जाने के बाद दोस्तों अपने उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है, वीडियो भी हमने एक्सपोर्ट की है तो मैं इसको कर देता हूँ और यहाँ से कर दूँ प्रीव्यू। तो यहाँ पर टैंपलेट हमारी वीडियो पर अप्लाई हो चुका है, हम यहाँ से प्ले करके देख लेते हैं। दोस्तों आप यहाँ पर टैंपलेट को अप्लाई करोगे आपकी वीडियो जो है वो हैंग होकर चलेगी, जब वीडियो को आप एक्सपोर्ट कर लोगे तो आपकी वीडियो जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। यहाँ से पहले वाले से कर देंगे एक्सपोर्ट। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो हमारी एक्सपोर्ट हो चुकी है, हम यहाँ से कर देंगे डन। डन करने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे बैक, एक मतलब फिर कर देंगे बैक। यहाँ से दोस्तों आपको सीजर में जाना है, इसके बाद दोस्तों प्लस में जाएंगे। प्लस में जाने के बाद दोस्तों हमें उस वीडियो को सिलेक्ट कर लेना है जो जिस वीडियो पे अभी हमने टैंपलेट को अप्लाई किया है, तो उसको मैं कर दूंगा सिलेक्ट और यहाँ से कर दूंगा ऐड। सबसे पहले दोस्तों मैं इसके म्यूजिक को म्यूट करना होगा, क्योंकि दोस्तों इसमें म्यूजिक कोई और लगा हुआ है, मैं इसको यहाँ से कर दूंगा म्यूट। म्यूट करने के बाद दोस्तों ओवरले में जाएंगे, ऐड ओवरले में जाएंगे। यहाँ से दोस्तों आपको ब्लैक स्क्रीन वाले वीडियो को सिलेक्ट करना है, इसको मैं कर दूंगा सिलेक्ट और यहाँ से कर दूंगा ऐड। के बाद दोस्तों एक मतलब वीडियो पे क्लिक करेंगे, इसके स्पीड में जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे, इसको 0.9 पे कर देंगे और यहाँ से कर देंगे ओके। ओके करने के बाद दोस्तों नीचे वाली वीडियो पे क्लिक करेंगे और यहाँ से वीडियो को 7 सेकंड तक आगे करेंगे। 7 सेकंड आगे जाने के बाद दोस्तों यहाँ से कर देंगे स्प्लिट, पहले वाले इसे पे क्लिक करेंगे और उसको यहाँ से कर देंगे डिलीट। बाद दोस्तों इसको फिंगर से प्रेस करके रखेंगे, इसको वीडियो को शुरू में ले जाएंगे ऐसे। देन दोस्तों इस वीडियो पे फिर क्लिक करेंगे और यहाँ जाएंगे ब्लेंड में, इसको कर देंगे फिल्टर और यहाँ से कर देंगे ओके। इसको यहाँ से कर देंगे जूम। जूम करने के बाद दोस्तों वीडियो के आखिर में जाएंगे, आखिर में वाटरमार्क है, इस पर क्लिक करेंगे और उसको कर देंगे डिलीट। अभी दोस्तों हम वीडियो को प्ले करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो हमारी बहुत ही अच्छी बन चुकी है, यहाँ से आप वीडियो को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो को शुरू में बताया, अगर आपके फोटो का बैकग्राउंड कैपकट से रिमूव नहीं होता तो आपको क्या करना होगा, उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ से जाना होगा बैक। उसके लिए दोस्तों आपको इस ऐप को डाउनलोड करना है, इसका लिंक भी आपको जो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको आप डाउनलोड कर लेना। तो मैं इसको ओपन कर देता हूँ। यहाँ से दोस्तों अपने अपलोड इमेज पर क्लिक कर देना है, दोस्तों अपने गैलरी में जाना है और यहाँ से दोस्तों अपने उस पिक को सिलेक्ट कर लेना है जिसका आप बैकग्राउंड रिमूव करना चाहते हैं। यहाँ से मैं एक पिक को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मेरी पिक का जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो चुका है, यहाँ से इसलिए आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप समझ गए आपको किस तरह से वीडियो एडिट करनी है और किस तरह से पिक का बैकग्राउंड जो है वो रिमूव करना है। दोस्तों किसी बात की अगर आपको समझ नहीं लगी नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको कमेंट करके रिप्लाई जरूर करूंगा। और दोस्तों नीचे कमेंट करके मुझे ये भी बताओ नेक्स्ट ट्यूटोरियल जो है वो आपको किस वीडियो पे चाहिए, उस वीडियो का ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहे, आबाद रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।